और इसके अलावा मन करता है मैं फिर एक बार वृंदावन जाऊं, ऐसे बहुत सारे गाने उनको सुनाई देता था एंड देन शी यूज्ड टू राइट इट. तो वो सब लेकर मैंने मेरा डांस बैले में यूज किया है. आई हैव डन दैट डांस. बट माई एक्सपीरियंस डूइंग मीरा फिल्म वॉज समथिंग वेरी वेरी वंडरफुल. उसमें बहुत चाहा था हमने कि लता मंगेशकर जी उसमें गाए, गीत गाए. एंड बिकॉज इट वॉज गिवन, म्यूजिक वॉज गिवन बाय रविशंकर जी. रविशंकर जी, गुलजार साहब, ये सब मिलकर जब बनाते हैं कुछ समथिंग, इट वॉज समथिंग ग्रेट. सो वी वर वेरी कीन लता जी गाए, किसी वजह से वो गा नहीं सकी. देन वाणी जयराम शी सैंग फॉर दैट सॉन्ग. बट ब्यूटिफुल सॉन्ग्स वर गिवन बाय रविशंकर विच आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म एंड आई जस्ट मर्ज्ड इन दैट रोल ऑफ मीरा. इट वॉज सो नाइस. आई एक्सपीरियंस्ड हर फीलिंग्स एवरीथिंग. एंड उसमें गुलजार साहब ने कैसा उस कैरेक्टर को भर कर लेकर आए. शी इज़ अ कवयित्री बट एट द सेम टाइम ए वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनैलिटी एज अ वुमन. हाउ शी स्टैंड्स फॉर हर ओन थाट्स. एंड उस जमाने में भी कैसे उसने उसके गुरु जी जो थे उसमें उनके अगेंस्ट, मतलब शी इज़ वेरी पोलाइटली बट हाउ शी स्टैंड्स फॉर हर ओन थाट्स वॉट शी फील्स इज राइट. एंड उसकी भक्ति जो कृष्ण के प्रति, इट वॉज रियली समथिंग वंडरफुल आई एक्सपीरियंस्ड दैट टाइम इन अ फिल्म. उसके बाद लगा थी तो फिल्म तो बन गई, खत्म हो गई, रिलीज हो गई. बट इट इज़ क्वाइट पॉपुलर इवन टूडे इन द स्पिरिचुअल सर्कल में चलता रहता है वो पिक्चर. आई डोंट नो वेदर इट वॉज अ बिग हिट और नॉट, आई डोंट थिंक सो. बट पीपल लव टू वॉच दैट फिल्म इवन टूडे, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ बींग पार्ट ऑफ दैट फिल्म एक्टेड एज मीरा. एंड देन मुझे लगा कि मेरी माँ गुरु माँ ने इंस्पायर किया कि यू यू परफॉर्म ऑन द स्टेज. परफॉर्मेंस जब आप करते हैं स्टेज में, एवरी डे एवरी टाइम यू आर परफॉर्मिंग, यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट दैट कैरेक्टर. सो दैट विल गिव यू मोर इंस्पिरेशन. यू मस्ट डू इट. देन आई वी कंपोज अ वेरी ब्यूटिफुल म्यूजिक बाय शैली दत्ता करके, दिल्ली से थे. उन्होंने ऐसा म्यूजिक दिया और कविता कृष्णमूर्ति ने इतना ब्यूटिफुल गाना गाया उसका. मैं वेन एवर आई परफॉर्म आई जस्ट गेट लॉस्ट इन टू अ डिफरेंट वर्ल्ड. So I tell people that when I perform Meera or any other characters, I don't feel that I'm here in this dimension. I'm in a fourth dimension, in a different world, with the different people, with the different characters. So that is how that Meera, when I dance, in ISKCON only, when I started performing, that was my first ballet composed, Meera. And I started performing here for Bhakti Kalakshetra. So I really had a beautiful feeling experience about 20 years back we composed, and still I'm performing. Even today when I dance, I just get carried away. I go to a different plane altogether. So that was the experience I have gone through. It's all because of beautiful music given by the music directors, which inspires an artist to perform well, to emote their emotions well. तो ये सब कंबाइन होके इतना सुंदर सा एक कार्यक्रम हम कर पाते हैं. तो आफ्टर एक्सपीरियंस ऑल दैट, नाउ व्हेन आई एम हियरिंग मनीषा सिंगिंग थिंग, इट इज रियली वेरी नाइस. यू आर एबल टू डू आई जस्टिस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल. एंड यू हैव ऑल्सो पिक्चराइज्ड एज मीरा. इट इज वेरी लवली लवली टू सी. सो आई प्रे टू गॉड and I read that this music album should be a big hit everywhere all over. And I congratulate Gauri for taking initiative and releasing it.